शिवपुरी जिले के आशीर्वाद हॉस्पिटल के सामने फतेहपुर क्षेत्र में एकाएक ठंडाई भांग पीने के बाद 100 से ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई शहर में, जिससे हड़कंप मच गया। यह मामला रात्रि 1 बजे का बताया जा रहा है। बीमारों को उपचार के लिए तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया भी जा रहा है कि बाहर से टैंकरों द्वारा दूध लाकर शहर में सप्लाई किया गया था। दूध में केमिकल होने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि यह सभी लोग ठंडाई भांग का प्रसाद लेने गए थे। प्रसाद लेने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 20 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें महिला पुरुष मिलाकर 100 से ऊपर लोग बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही रात्रि गश्त ड्यूटी कर रहे DSP दीपक तोमर और SDOP अजय भार्गव कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जिला चिकित्सालय में मरीजों का हाल जाना। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये कल रात में आपके मंदिर पर यहाँ पर प्रसाद बटा था, उस प्रसाद के बटने के बाद यहाँ करीब 400-500 आदमी बीमार हो गए। तो क्या पूरा कारण रहा, किसने ये पूरा प्रसाद बटवाया था या कहाँ से दूध लाए थे? कल क्या है, दोपहर में 2-2.5 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया कि कोई दूध आया है, तो मैंने कहा मंदिर पर प्रसाद के लिए आया होगा। जब मैं आया तो वो 5-1 क्विंटल के करीब दूध था। गाड़ी खाली करने आए थे और एक पास में ही राहुल सोनी करके लड़का, उसने मंगवाया था दूध पूरा। उसके बाद ठंडाई का कार्यक्रम रात में चला, रात में चलने के बाद मैं चला गया था घर। 10 बजे घर पर मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो मैंने अपने छोटे भाई मनोज को भेजा है और बाद में पता चला कि पूरे मोहल्ले में ही सबको उल्टियाँ और वो दस्त हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा भी था कि दूध कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, तो वो राहुल सोनी बता पाएगा आप तो दूध कहाँ से आया है। अच्छा, अभी तक राहुल सोनी संपर्क नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। सुनने में ये आया है कि वो दूध वहाँ से प्लांट से लाया था, कहीं प्लांट वाले प्लांट से। कह रहा है उसका कहना है जी, इसमें मतलब मंदिर कमेटी ने नहीं बटवाया था किसी व्यक्ति? मंदिर कमेटी का कोई मतलब नहीं है इससे। राहुल सोनी ने, राहुल सोनी स्वेच्छा से लाया था जी जी, और उसी ने दूध मंगवाया था, वही ने बटवाया। आपका दिलीप सोनी जी? दिलीप सोनी। दिलीप सोनी, ये क्या हो गया माता जी को? प्रसाद ठंडाई घट रही थी, उसको पीने से। कहाँ पर? कृष्णपुरम कॉलोनी आशीर्वाद हॉस्पिटल के सामने मंदिर पर। तो कितने लोग बीमार हुए थे? करीबन 150-200। 150-200 लोग बीमार हो गए थे। अच्छा, दूध तो कहाँ से आया था, क्या आया था, कुछ बताया? आयोजक कौन रहा था इसका? ये तो पता नहीं आयोजक कौन था, उधर का बता रहे हैं कि वगैरह उधर कहाँ से लेके आए थे, कहीं इतना पता नहीं है। तो सब लोग बता रहे हैं कि अपन ने जान। क्या नाम है माता जी का? माता जी का गुन्ना सोनी। गुन्ना सोनी कल रात में बीमार हुई। रात में आपके जिला अस्पताल में कई लोग बीमार होकर आए हैं फूड पॉइजनिंग से, क्या पूरा मामला है, कितने लोग बीमार हुए थे? ये करीब 12 बजे के बाद करीब 120 व्यक्ति, करीब महिला पुरुष बच्चे सहित भर्ती हुए थे। तो ये बता रहे हैं एक ही साथ आए थे, किसी मंदिर पर प्रसाद बांटा गया है और उस प्रसाद के खाने के करीबन 1-1.5 घंटे बाद इनको उल्टी दस्त चालू हो गए हैं। जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए, जिसमें करीब अभी 50 व्यक्ति भर्ती हैं। ज़्यादातरों की छुट्टी अपने बिना बताए घर चले गए, स्वस्थ हो गए हैं इसलिए, और जांच जा रही है। अच्छा, तो डॉक्टर से कोई बातचीत हुई कि क्या बता रहे हैं? वो तो ये बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग, नहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं वो तो बीमार से हुए थे। अभी और 11 बजे अपन डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लेकर। कितने लोग होंगे भर्ती? करीब 120 करीब बताया जा रहा है। ये जो ठंडाई बढ़ रही थी, कहाँ पे किसके मरीज थे लोग? मरीज 120 करीब से ऊपर बताया जा रहा है। किस क्षेत्र से आए थे? अभी ये अम्मा जी हैं कृष्णपुरम कॉलोनी की हैं, आशीर्वाद हॉस्पिटल के सामने कोई मंदिर है सोमेश्वर, वहाँ से बताया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।